हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है। गोवा में 20 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। यह स्पष्ट है कि गोवा में भाजपा फिर से सत्ता स्थापित करेगी, क्योंकि कुछ निर्दलीय और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी भी भाजपा का समर्थन कर रही है। गोवा में बीजेपी की जीत में गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा योगदान है। गोवा बीजेपी प्रभारी के रूप में फडणवीस ने उम्मीदवारों के चयन से लेकर सड़कों पर प्रचार करने तक की जिम्मेदारी ली थी। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के नागपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से गर्मजोशी से उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा बीजेपी को टक्कर देने की बात करने वाली पार्टियां राकापा और शिवसेना को लेकर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को काफी कम वोट मिले हैं। होली के पावन पर्व पर ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन एवं धंतुली गार्डन मित्र परिवार द्वारा धंतुली गार्डन में पौधे लगाकर हर्षोल्लास से होली मनाया गया। संस्था अध्यक्ष संदीप मानकर के अनुसार इस अवसर पर पर्यावरण के बारे में जन जागृति का संदेश दिया गया। सभी नागरिकों ने हर्बल गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। इस अवसर पर भोलानाथ सहारे, अनिल जोड़, ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन के फाउंडर संदीप मानकर, कमलेश कोकासे, मोंटी चोपड़ा, राजू जायसवाल, राधा विंचुरकर, रेखा देशमुख, दीप्ति बारापात्रे, राजू नायडू, डॉक्टर वैरागड़े, अनुराग नेवारे, मंगेश मेशराम, संकेत तावड़े, दिनेश चमन, बमले, ओम गांधी, गुप्ता, राजेश टावरी, मोटघरे, करम चंदानी, नीलेश राउत, पंकज त्रिवेदी, शिवकुमार शाहू, राजेश सवदिया, साहिल मेशराम, अमर हुसैन, अमन कानोजे, अनुराग बिसेन, राहुल ठाकुर, किरण बावने, रंजीता रामटेके, अभिषेक धरनेधर, संजय थोरी, विक्रम रेड्डी, प्रवीण पुराणिक, स्वप्निल यरपुड़े, प्रशांत शाक्य, राहुल गवई, सचिन उइके, सचिन शेंडे, मोनिका मोटवानी, मंगेश मेशराम, उमेश हेडाऊ, रिंकू छाबरा, गोपाल पेटकर, ज्योत्ना कुरेकर, सुरेश गंदेवार, कल्पना माहुरले, प्रमोद रामटेके, रवजोत सिंह भसीन, श्रेष्ठ चौरसिया आदि उपस्थित थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय एवं ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेरा राज्य मेरी संस्कृति कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि भारत एकात्म भाव का देश है। इस महान राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में युवा नागरिकों को अपना भरपूर योगदान देना चाहिए। दूर शिक्षा निदेशालय के सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रोफेसर शुक्ल भाषण दे रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार पालिता ने की। इस अवसर पर विश्व भारती शांति निकेतन के ओडिशा विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष कैलाश पटनायक ने अपने विचार व्यक्त किए। कुलपति प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के माध्यम से विगत 4 वर्षों में विद्यार्थियों में महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों की संस्कृति, खानपान, रहन सहन और लोक परंपरा को लेकर बेहतर समझ पैदा हुई है। यह एक सफल अभियान है और इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से भावनाएं और अनुभूतियां हमें जोड़कर रखती है। उन्होंने इस अभियान को निरंतर चलाने के लिए दोनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और नोडल अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। ललिता पब्लिक स्कूल के चेतना किड्स पैराडाइज में बच्चों द्वारा फूलों से होली खेली गई। वह होली पर हिरण्यकश्यप व भक्त प्रहलाद की कथा पर नाटक के माध्यम से उन्हें होली की कथा बताई गई। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,314 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,26,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 40 मामलों में 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 12,85,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 64,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु भवन में डहरवाल कलार समाज के लिए निधि उपलब्ध करवाकर समाज भवन बनाने वाले पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने व कुराडी देवी स्थान को सुंदर तीर्थस्थल बनाने वाले विधायक व नागपुर के पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का सत्कार किया गया।
अतिथियों द्वारा विघ्नहर्ता भगवान गणेश, भारत माता व आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समिति के अध्यक्ष खिलेंद्र कुमार बिठले व कोषाध्यक्ष शेखर डहरवाल ने प्रास्ताविक भाषण देते हुए समाज के लिए भवन बनाकर देने वाले डॉक्टर मिलिंद माने व कोराडी देवस्थान को भव्य तीर्थस्थल बनाने वाले विधायक चंद्रशेखर बावनकुले का आभार व्यक्त करते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने, दहेज प्रथा बंद करने व बहु बेटियों को समान अधिकार देने पर जोर देते हुए सामाजिक कार्य कर रहे इन समाजसेवी नेताओं का सहयोग कर उनका मनोबल बढ़ाने की अपील की। तत्पश्चात विधायक चंद्रशेखर बावनकुले व डॉक्टर मिलिंद माने को समाज भूषण सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बावनकुले व डॉक्टर माने ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य और नागपुर में किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों, हाथकरघा बुनकरों, आदिवासियों की आजीविका और कल्याण को बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट पर एक स्टेशन एक उत्पाद नीति की घोषणा की थी। एक स्टेशन एक उत्पाद एक अवधारणा के रूप में उस क्षेत्र के रेलवे स्टेशन को उत्पाद के लिए एक प्रचार और बिक्री केंद्र बनाकर भारतीय रेलवे के प्रत्येक पड़ाव से एक स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के समान विचार के साथ एक स्टेशन एक उत्पाद के अंतर्गत सक्षमीकरण करने और आय, स्थानीय रोजगार, कौशल और आजीविका में सुधार के लिए स्थिर विपणन मंच प्रदान करने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। दिलचस्प बात तो यह है कि मध्य रेल के नागपुर रेलवे स्टेशन को 25 मार्च 2022 से शुरू होने वाले 15 दिनों के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की पायलट परियोजना का प्रदर्शन करने के लिए देश के 16 रेलवे स्टेशनों में से एक के रूप में नामित किया गया है। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय सूचना यह भी है कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में पायलट प्रोजेक्ट की मेजबानी करने वाला एकमात्र रेलवे स्टेशन नागपुर रेलवे स्टेशन है। आगामी 17 से 24 अप्रैल तक गुलमोहर प्लाजा गोरेवाड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के स्थल का भूमि पूजन विधिवत मंत्रोपचार से संपन्न हुआ। इस अवसर पर नागपुर शहर के ब्राह्मणों के कल्याण हेतु ब्राह्मणों के संगठन का निर्माण हुआ। इसमें सभी समाज के ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर संगठन बनाया। समस्त ब्राह्मण गणों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विवेक मिश्रा, दिनेश पांडे, शिव कुमार दुबे, कृष्णानंद मिश्रा, प्रदीप पांडे, सतीश मिश्रा, राजेश शर्मा, सुनील पांडे, कमलेश द्विवेदी, रामभूषण त्रिपाठी, योगेश त्रिपाठी, राजेश दुबे, प्रेम पंडित, विजय तिवारी, विपिन मिश्रा, कन्हैया शास्त्री, दीपक तिवारी, वासुदेव द्विवेदी, सुनील महाराज आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। फिल्म संविधान एक रास्ता की शूटिंग के लिए नागपुर पहुंचे सुप्रसिद्ध सिने अभिनेता रजा मुराद ने अपनी शूटिंग की शुरुआत नागपुर के दीक्षाभूमि से की। इस फिल्म में नागपुर के नए कलाकार मनीष मेहाड़िया ने भी अपना एक छोटा सा रोल निभाया है। इस फिल्म का कुछ हिस्सा नागपुर के बॉटनिकल गार्डन में भी शूट किया जा रहा है। इस फिल्म में हैदराबाद के प्रसिद्ध सिने अभिनेता गुल्लू दादा ने भी अभिनय किया है। अभिनेता राजा मुराद ने इस फिल्म के बारे में प्रेस को जानकारी दी और इस अवसर पर सिने अभिनेता गुल्लू दादा, सिने निर्देशक अजमत खान, अनिल नरेडी, संदीप चिपाटे, आसिम पोहने, स्वाति चूटे, पूनम मेहाड़िया, शीतल मेहाड़िया, प्रथम मेहाड़िया व सुरभि मेहाड़िया आदि उपस्थित थे। स्वरंजलि भजन सखियों ने फाल्गुन माह में होली के उपलक्ष्य में फाग उत्सव मनाया, जिसमें श्याम बाबा, सालासर बाबा के सुमधुर भजनों ने सभी श्रोताओं का मन मोह लिया। फूल एवं गुलाल के साथ होली खेली गई। इस उत्सव में विमला मालू, प्रीति मालू, शिल्पा सोनी, राधिका मुंदड़ा, शैलजा राठी, अंजू पचेसिया, ज्योति लाहौटी, सरिता काबरा, अलका डालिया, ममता काबरा, ज्योति बजाज, सुमन सोनी, सरिता झवर, सोनम हेड़ा, रेणु चांडक, सीमा राठी सहित अन्य सखियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंत में अल्पोपहार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज का वचनों के अनुसार होली उत्सव दिल से दिल को मिलाने का उत्सव है। इस दिन लोग अपने मन का बैर निकालकर आपस में भाईचारा रखना चाहिए और पुराने बैर को दूर कर देना चाहिए। साथ ही सुबह सुबह तैयार होकर धोती दुपट्टा पहनकर केसर से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इस अवसर पर पुलक मंच परिवार गांधी बाग शाखा द्वारा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर ऋचा जैन के मार्गदर्शन में गांधी बाग गार्डन में प्रेम और भाईचारे का मैसेज देते हुए गुलाल के पैकेट का वितरण किया गया। साथ ही परवार मंदिर के अध्यक्ष दिनेश त्रिलोकचंद एवं संतोष देवड़िया को केसर की डिब्बी दी गई। इसके बाद सभी ने सिद्ध चक्र विधान में पूजा की। इस अवसर पर जैन जागृति महिला मंच गांधी बाग शाखा की महामंत्री नीलम जैन, दीपा जैन, छाया जैन, रीता रावका,
एडवोकेट राव का, महावीर शाखा के अध्यक्ष शरण मचाले, महल शाखा से चंद्रनाथ भागवतकर आदि उपस्थित थे। परशुराम नगर चांडक लेआउट स्थित परशुराम लॉन में धूलिवंदन के अवसर पर सभी समाज बंधुओं की उपस्थिति में होलिकोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम विविध आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। भगवान परशुराम मंदिर में विप्र फाउंडेशन विदर्भ जोन 9 के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, घनश्याम शर्मा, पंडित गोपाल कृष्ण पांखला द्वारा भगवान श्री परशुराम जी का पूजन एवं रंग अर्पण करके विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात प्रसिद्ध भजन गायक पलाश जोशी एवं सूरज शर्मा एवं ग्रुप द्वारा सुमधुर शाम भजनों की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। होली उत्सव के गीतों ने समा बांध दिया। बाबा श्याम एवं रामदेव का पूजन संस्था के पदाधिकारियों ने और उपस्थित अतिथियों ने किया। युवा कार्यकर्ता मुकेश शर्मा, पंडित किशोर तिवारी, दीपक जोशी, संजय शर्मा, अमर जोशी, प्रशांत हट्टिका एवं समस्त युवा कार्यकर्ताओं ने हल्दी गुलाल केसरिया रंग से मिश्रित फूलों की वर्षा की। इस अवसर पर विशेष रूप से राजस्थानी ब्रह्म समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वजीत भगत का संस्था की ओर से सत्कार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा ने की। मंच पर संस्था अध्यक्ष पंडित गोपाल कृष्ण पांखला एवं पूर्व अध्यक्ष घनश्याम शर्मा विराजमान रहे। अतिथियों का स्वागत हरीश शर्मा, पंडित चंद्रशेखर पांखला ने संस्था की कार्यकारिणी की ओर से किया। चेन्नई से नागपुर पहुंचे साइकिल यात्री डॉक्टर अमित समर्थ का 0 माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन परिसर में आगमन होने पर उनका महामेट्रो व मित्र परिवार की ओर से सत्कार किया गया। डॉक्टर समर्थ 13 मार्च को रात 11 बजे चेन्नई से साइकिल से रवाना हुए थे तथा वे मंगलवार 15 मार्च को रात 8 बजे फ्रीडम पार्क पहुंचे। उनके स्वागत के लिए CRPF के बैंड ने देशभक्ति के धुन प्रस्तुत किए। 44 घंटे 34 मिनट तक साइकिलिंग कर 1131 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले डॉक्टर अमित समर्थ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम हफ्ते में 2 बार साइकिलिंग करनी चाहिए। नागपुर शहर यूरोपियन कंट्री जैसा स्वरूप धारण कर चुका है और यह केवल मेट्रो परियोजना के साकार होने से ही संभव हो सका है। नागपुर सिटी की दिशा और दशा बदलने में मेट्रो की अहम भूमिका होने का उल्लेख करते हुए साइकिल यात्री डॉक्टर समर्थ ने कहा कि यातायात नियम और स्वच्छता की दिशा में यदि हम और जागरूक हुए तो हमारे शहर का स्वरूप निश्चित ही यूरोपियन शहरों जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साइकिल और बाइक चलाते समय हमें हेलमेट पहनने एवं अन्य नियमों का पूर्ण अनुशासन से पालन करना चाहिए। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वर्ष 1990 में लाखों कश्मीरी पंडितों के परिवारों का एक साथ कश्मीर से पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को महाराष्ट्र राज्य में टैक्स फ्री करने हेतु सरकार को प्रतिवेदन दिया है। ज्ञापन में चेंबर के पदाधिकारियों ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, किंतु इस राज्य में रहने वाले कश्मीरी पंडित परिवारों को वर्ष 1990 में एवं उससे पहले भी अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ी और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे यातनाओं से भयभीत होकर इतने मजबूर हो गए थे कि अंत में लाखों कश्मीरी पंडित परिवारों को एक साथ अपना घर, अपनी जन्मभूमि व कर्मभूमि को छोड़ना पड़ा। यह देश के लिए बहुत दुखदायक घटना थी। इस घटना की जानकारी देश में अधिकांश नागरिकों तक अब भी पहुंच नहीं पाई है। कश्मीरी पंडित अब भी उन दर्दनाक यादों से उबर नहीं पाए हैं और न ही अपने घर लौट पाए हैं। महाराष्ट्र में भी लोगों को कश्मीरी पंडितों के इस दर्दनाक इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। अतः इस फिल्म को टैक्स फ्री बनाने की मांग NVCC के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से की है। श्री परशुराम सांस्कृतिक मनोरंजन मंच, अखिल भारतीय जागृति महिला मंडल और ब्राह्मण सेना महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को सुभाष रोड स्थित गीता मंदिर परिसर के प्रांगण में महिलाओं ने मिलकर फागुन उत्सव मनाया और अबीर और फूलों की होली खेली। इसी दौरान प्रसिद्ध त्वचा रोग तज्ञ डॉक्टर नीता शर्मा ने होली के दौरान रंगों से अपनी त्वचा की रक्षा करने के उपाय बताकर उपस्थित महिलाओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान गीता मंदिर के संचालक स्वामी निर्मलानंद महाराज भी प्रमुखता से उपस्थित थे। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा शॉल श्रीफल देकर उनका सत्कार किया गया। फागुन उत्सव और पंखुड़ियों की होली के इस आयोजन में महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। जागृति मंच की संस्थापिका रेखा चतुर्वेदी और ब्राह्मण सेना की अध्यक्ष जयमाला तिवारी और परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ की रजनी शर्मा का भी परशुराम सांस्कृतिक महिला मंच द्वारा किए जा रहे समाज सेवा कार्यों में मद्देनजर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीता शर्मा द्वारा महिलाओं को 40 वर्ष की आयु के बाद अपनी स्किन की देखभाल कैसे करें और होली के रंगों से त्वचा का बचाव कैसे किया जाए, इस विषय पर विशेष मार्गदर्शन दिया गया। अमेज़न के व्यवहारिक व्यापार करने के तरीके को उजागर करने के लिए तथा अव्यवहारिक ऑनलाइन व्यापार पर अपना रोष प्रकट करने के लिए बाजार में गलत तरीके से व्यापार करने वालों को बाहर करने की दृष्टि से टीम कैट नागपुर ने होलिका दहन में अमेज़न रूपी पुतले का होली दहन किया। इस मौके पर बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि गैट लगातार सरकार के सामने अमेज़न द्वारा किए जा रहे अनैतिक तथा अव्यवहारिक व्यापार करने के तरीकों को उजागर करने के बावजूद भी इस कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तथा ई कॉमर्स व्यापार करने की नीति भी नहीं बनाई गई है। व्यापारियों में इस बात का रोष होने के कारण अपनी भावना व्यक्त करने के लिए होलिका दहन अमेज़न के पुतले को जलाकर किया गया। टीम कैट नागपुर के चेयरमैन गोपाल अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों को जात पात व धर्म से ऊपर उठकर व्यापार धर्म का पालन करना चाहिए, आपस में हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए। अध्यक्ष किशोर धारा शिवकर ने कहा कि हर स्तर के लोगों को और छोटी पूंजी तथा बड़ी पूंजी वाले व्यापारियों को समान रूप से व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए। शहर के सामाजिक सांस्कृतिक एवं सिंधी समाज की आस्था का एकमेव प्रतीक झूलेलाल मंदिर में सिंधु झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी व झूलेलाल युवा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन गांधी सागर तट पर झूलेलाल मंदिर में महंत मोहनदास ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। सोसाइटी के अध्यक्ष रमेश जयस्वानी से मिली जानकारी के अनुसार सर्वप्रथम आराध्य देव भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर नमन किया गया तथा सर्वसम्मति से मंदिर में नव वर्ष पर भक्तों की उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर चेट्री चंड पर्व झूलेलाल जयंती पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा इस वर्ष भी रद्द करने का निर्णय लिया गया। मंदिर में दो दिवसीय कार्यक्रमों में प्रथम दिन 1 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं 2 अप्रैल को जल ज्योति का पूजन कृत्रिम टैंक पर किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से भक्तों में लंगर प्रसाद वितरित किया जाएगा। तालाब में सौंदर्यीकरण का कार्य आरंभ होने के कारण बहराना साहब का पूजन कृत्रिम टैंक परिसर के पास करने, मंदिर में सुरक्षित अंतराल के पालन करने, मास्क पहनकर आने की अपील भक्तों से की गई है। बैठक में संस्था अध्यक्ष रमेश जयस्वानी, हरिराम नागपाल, सोनू मंगानी, कमलेश घनवानी, जवाहर चूक तथा सिंधी समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान आयुष मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नंदनवन नागपुर के डॉक्टर मिलिंद एन सूर्यवंशी, प्रभारी सहायक निदेशक के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल के डॉक्टर एवं स्टाफ द्वारा नागपुर में अनेक स्कूल में 14 से 16 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को कोविड-19 और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जरूरी च्यवनप्राश एवं संशमानी वटिका निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। भारतीय शिक्षण मंडल नागपुर द्वारा संचालित जीजाबाई लाभे स्मृति महल स्थित नवयुग विद्यालय व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय के अध्यक्ष संजय शिरपुरकर, संचालक पूर्व विधायक गिरीश व्यास की उपस्थिति में विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर माया गायकवाड़ के व्यवस्थापन में समाजसेवी व भाजपा पूर्व नागपुर मीडिया प्रमुख मनोज अग्रवाल के अथक प्रयास से विद्यार्थियों में च्यवनप्राश एवं संशमनी वटी का निःशुल्क वितरण किया गया। डॉक्टर सूर्यवंशी ने च्यवनप्राश और संशमनी वटी से इम्यूनिटी बूस्टर के कारण कोविड-19 और ओमिक्रॉन से बचाव के बारे में बताया और साथ डॉक्टर वनमाला ने उनको कैसे सेवन करना चाहिए इस विषय पर प्रकाश डाला। संस्थान के डॉक्टर सूर्यवंशी के साथ डॉक्टर वनमाला, डॉक्टर दीप्ति, निशांत राउत व अन्य स्टाफ इस कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने में लगे हैं। समर्पण सेवा समिति द्वारा बढ़ती गर्मी में बेजुबान पक्षियों हेतु छतों एवं बालकनी में मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखने हेतु मिट्टी के बर्तनों का संस्था के अध्यक्ष पूर्व विधायक गिरीश व्यास एवं मुख्य अतिथि पशु प्रेमी मनोज ठाकुर की प्रमुख उपस्थिति में वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मनोज ठाकुर ने कहा कि इस मौसम में पक्षियों के लिए ठंडे पात्र में जल भरकर रखने से पंछी जब उस पात्र में जल पीते हैं तब उनकी आत्मा तृप्त होती है एवं मनुष्य के पितरों को भी शांति मिलती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य ने ये कार्य निसंकोच करना चाहिए एवं ये पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष गिरीश व्यास, मुख्य अतिथि मनोज ठाकुर, रमेश जसोरे, डॉक्टर सुनीता मिगलानी, कार्यक्रम के संयोजक जेठानंद खंडवानी, सचिव नरेश जुम्मानी, कार्याध्यक्ष सतीश जैन, राजेश जिंदल, डॉक्टर महेश तिवारी, नरेंद्र कौशिक, महेंद्र गुप्ता, विपुल तना, मनोज तिवारी, अजय टक्का मोरे, दिनेश पटेल, संजय बादुले, जेपी शर्मा, नामदेव ठाकरे आदि कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच संचालन संस्था के सचिव नरेश जुम्मानी ने किया और डॉक्टर सुनीता मिगलानी ने मान्यवरों का आभार माना। स्थानीय नागरिकों ने संस्था की इस पहल की सराहना की।
राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविडशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविडशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। ये जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।